नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबर है ग्रुप डी और लोको पायलट की परीक्षाओं को लेकर के। जी हां दोस्तों, रेलवे मंत्री जी द्वारा उनके ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके बताया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर पूरी आपको मैं खबर देने वाला हूं जो उन्होंने ट्वीट करके बताई गई है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप रेलवे की तैयारियां कर रहे हैं, रेलवे की नौकरी में अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हम आपको दे रहे हैं फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास की वीडियोज और साथ ही साथ यहां पर करंट अफेयर, रीजनिंग, जनरल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज मिलते हैं, जिसमें आपको फ्री जो है पीडीएफ का लिंक भी मिलता है, जिससे आप फ्री पीडीएफ भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, साथ ही साथ आपको यहां पर ऑल ओवर इंडिया में जो भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी अपडेट भी आपको दी जाती है, और इन बेनिफिट को लेने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा करके, और पास के घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि दोस्तों ये नोटिफिकेशन बेल आइकन है, इसको दबाने पर ही हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं रेलवे भर्ती से जुड़ा हुआ, वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। और आपसे एक शिकायत रहती है कि आप वीडियो देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आज का माइंड क्विज क्वेश्चन है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, फटाफट से इसका सही जवाब वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए और बन जाइए आज के स्मार्ट व्यक्ति। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने बताया है कि आई एम अनाउंसिंग ए कंफर्मेशन अबाउट रेलवे एग्जाम ऑफ ग्रुप डी एंड एलपी। डियर स्टूडेंट, एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन बिटवीन अगस्त टू नवंबर, एडमिट कार्ड विल प्रोवाइड शॉर्टली, थैंक यू। तो दोस्तों, ये उनके द्वारा बताई गई सूचना है। तो लेकिन हम आपको बता दें कि ये ट्विटर अकाउंट की जो जानकारी है, जो वायरल हो रही है, ये हमें व्हाट्सएप पे मिली थी कल, तो हमने सोचा कि आपको बता दें, क्योंकि ये टोटली फेक है, क्योंकि यहाँ पर रेलवे मंत्री जी द्वारा ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बिल्कुल एडिट करके बताई गई है। यहाँ पर एक आप देख सकते हैं बिल्कुल एक आपको लाइन भी दिखेगी यहाँ पर, तो ये बिल्कुल एडिटिंग किया है, कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन जिसने भी किया है बिल्कुल क्लियर नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप रेलवे मंत्री जी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जाएंगे तो यहां पर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी रेलवे भर्ती के एग्जाम को लेकर के, क्योंकि अभी फाइनली रेलवे द्वारा कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया, ना डिसाइड किया गया है कि रेलवे के एग्जाम कब किए जाए ग्रुप डी और लोको पायलट के, क्योंकि अभी रेलवे जो है तैयारी में लगा हुआ है, प्रिपरेशन में लगा हुआ है एग्जाम की तैयारी को लेकर के। दोस्तों, अगर कोई भी रेलवे द्वारा अपडेट आती है उसकी सूचना हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी, वो भी 100% प्रूफ के साथ में। आप रेलवे भर्ती बोर्ड की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उन पर विजिट करते रहिए, वहां पर आपको ऑफिशियली अपडेट मिल जाएगी जो भी परीक्षा को लेकर के निकल कर आती है, और आप साथ ही साथ रेलवे मंत्री जी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी विजिट करते रहे, यहां पर जो भी अपडेट होती है वो दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको देते हैं रेलवे भर्ती से जुड़ी हुई पलपट की अपडेट। ठीक है दोस्तों, और पास के घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे हम जो भी नया वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।